टीटीएस ने की कश्मीर में बंदी से हटाने की मांग, सिटी मजिस्ट्रेशन को दिया ज्ञापन। बरेली आल इंडिया तहरीक ए तहफुज्जुक सुन्निया टीटीएस के संरक्षक मौलाना हजरत एहसन रजा कादरी की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसमें कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद भी आज तक कश्मीर की जनता को बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारों को दवा नहीं मिल रही है, खाने पीने का सामान भी मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, दूध दवा रोजमर्रा का सामान भी नहीं मिल पा रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और यहां बसने वाले हर नागरिक भारतीय मुल्क में अमन चैन में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भीड़ द्वारा बेगुनाह को पीट पीट कर मार डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त कानून बनाया जाए। जितने लोग भी अभी तक मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं, उनके परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की जाए। दरगाह आला हजरत के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा खां कादरी की जानिब से आज एक मेमोरेंडम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्निया टीटीएस के तमाम पदाधिकारियों ने शाहिद खां, अजमल खां, अजमल नूरी, औरंगजेब खां नूरी और हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों के नेतृत्व में अभी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ये ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति के नाम है, राष्ट्रपति महोदय के नाम में, जिसमें दरगाह आला हजरत के मुफ्ती एहसन मियां साहब ने मांग की है मुसलमानों की समस्याओं को लेकर। इसमें एक सबसे बड़ी मांग ये है कि कश्मीर जो है वो हमारे मुल्क का अभिन्न हिस्सा है, हम लोग हमेशा से मानते चले आए हैं और कश्मीरी हर नागरिक हमारा भाई है। तो जब से 370 कश्मीर से हटाई गई है तब से वहाँ बहुत सी पाबंदियाँ लगी हैं, इंटरनेट को जगहों पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ जगहों पर 144 लागू है। तो वहाँ पर बहुत से लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध की परेशानी है, किसी को दवाई की परेशानी है, लोग 40 दिन से घरों में कैद हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बराबर दरगाह पे बहुत से कश्मीरी हैं जो दरगाह के मुरीद हैं, उनके बराबर फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि जल्द से जल्द वहाँ की पाबंदियाँ हटाई जाएँ और जो वहाँ के हमारे जो जितने भी कश्मीरी भाई हैं उनको अपने देश से जुड़कर मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके लिए जो ज़रूरी जो कदम हो भारत सरकार उठाए। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग है कि भीड़ की चक्र में हिंदुस्तान भर में कुछ समय से ये हो रहा है कि भीड़ की चक्र में एक उन्मादी भीड़ आती है और किसी को भी बेगुनाह व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जाए और जिन लोगों को अब तक हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया गया है उनके लिए सरकार उचित मुआवजा दे और उनके परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।